हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से मेरा बिरहा रिसीव चैनल में। दोस्तों आज गोंगूरा साग के साथ चिकन बनाना है। दोस्तों ये देखिए बहुत अच्छा हुआ है ये गोंगूरा साग। ये देखिए दोस्तों, गोंगूरा साग विथ चिकन बहुत सुपर सुपर टेस्टी लगता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा गोंगूरा का साग हुआ है दोस्तों। चिकन के साथ ये गोंगूरा साग मिला के बनाने से बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं गोंगूरा साग और चिकन का रेसिपी बनाऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये देखिए गोंगूरा साग मैं तोड़ लिया हूँ। हाफ किलो चिकन में बस थोड़ा सा लगाना है। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो में आखिर तक लगी रहिए दोस्तों। ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर दोस्तों। ये देखिए, यह हाफ किलो चिकन है। तो दोस्तों चिकन को बनाने से पहले मैं चिकन में अच्छा से मसाला मिलाऊंगा दोस्तों, तो आप लोग देखते रहना। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हाफ किलो चिकन में लाया हूँ। तो दोस्तों अभी चिकन में मसाला मिलाऊंगा। यह है मिर्ची पाउडर मैं एक चम्मच आधा में डाल रहा हूँ, और हल्दी एक चम्मच आधा,
और ये देखिए दोस्तों, ये गरम मसाला है, ये एक चम्मच आधा, और ये देखिए दोस्तों ये मीट मसाला है, मैं एक चम्मच आधा मैं ऐड कर रहा हूँ। आप लोग चाहिए तो आप लोग चिकन का पाउडर को भी ले सकते हैं। और ये दालचीनी का पाउडर है, इसको भी मैं आधा चम्मच ऐड कर रहा हूँ। और दोस्तों ये धनिया और जीरा का पाउडर है, मैं दो चम्मच ऐड कर रहा हूँ, छोटा वाला चम्मच से दो चम्मच। और दोस्तों नमक को भी साथ साथ मैं ऐड कर देता हूँ, एक चम्मच आधा मैं डाल देता हूँ, फिर बाद में देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं मसाला को मिला दिया हूँ, अभी इसको हाथों से अच्छा से इसको मिक्स कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मिक्स करने में मसाला अच्छा से चिकन में लग जाता है और चिकन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से अच्छा से इसको मैं मिला दिया। दोस्तों मैं 10 मिनट के लिए इसको मैं ढक के रखता हूँ। ठीक है, 10 मिनट के लिए मैं ढक दिया दोस्तों। दोस्तों देखिए, मैं दो पीस प्याज को काट दिया हूँ। प्याज को इस तरह से धीरे धीरे फ्राई करना है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, मैं अभी इसको डाल देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये दो पीस टमाटर काट दिया हूँ, इसको भी मैं ऐड करूँगा। दोस्तों अभी मैं गंगूरा साग को थोड़ा सा धो के मैं लगाऊंगा।
ये देखिए दोस्तों, ये अभी 10 मिनट हो गया है दोस्तों, मैं चिकन को अभी ऐड करूँगा। दोस्तों इस तरह से मैं अच्छा से चिकन को मिला लेता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, चिकन में से पानी आ गया है। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए दोस्तों, फिर से कुछ देर के लिए इस तरह से कुकिंग करते रहूँगा। दोस्तों और थोड़ा सा नमक चाहिए तो मैं लगा देता हूँ। दोस्तों गंगूरा और चिकन का रेसिपी हो गया है, ये देखिए। ठीक है, मैं खाना शुरू करता हूँ दोस्तों। आज ओनली चिकन हुआ है और कुछ नहीं, चलिए चलेगा। गोंगूरा के साथ चिकन बहुत अच्छा हुआ है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो में यहाँ मैं रखता हूँ, फिर मिलूँगा दूसरा वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरे वीडियो को
देख लिया और अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।